दोस्तों, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का फाइनल ट्रेलर आ गया है और भाई साहब क्या ट्रेलर बनाया है। मतलब भाई स्टार्ट होता है बहुत ही स्लो ट्यून के साथ, लेकिन वो स्लो रहता नहीं है। जैसे जैसे आप ट्रेलर देखेंगे आपको बहुत सारे अमेजिंग शॉट्स देखने को मिलेंगे। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ये फेज 4 की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, और जो कि होगी भी। तो मेरे ख्याल से ये सब तो आपको पता ही होगा। तो चलो बिना आपको फालतू का ज्ञान दिए ट्रेलर के ब्रेकडाउन डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है ब्लैक पैंथर के ट्रिब्यूट के साथ, और यहाँ पर कंफर्म तो हो ही गया है कि ब्लैक पैंथर की मूवी में भी डेथ हो गई है। अब उसका रीजन अभी तक की क्लियर नहीं है, लेकिन मे बी कोई बीमारी ही बताया जाएगा। और इसके जस्ट बाद आप देखते हैं नेमोर का फर्स्ट लुक, जो कि किसी पेंटिंग को देख रहा है। और इसके बाद आप दोबारा से शॉट देखते हैं जहां पर ब्लैक पैंथर को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। और इसके जस्ट बाद दोबारा से आप देखते हैं कि नेमोर कोई पेंटिंग कर रहा है और किसी वॉन पर। और इसी तरह धीरे धीरे एक स्लो टोन के साथ ये ट्रेलर स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही ब्लैक पैंथर का ट्रिब्यूट यहाँ पर खत्म होता है इस ट्रेलर में, उसके जस्ट बाद ये ट्रेलर काफी फास्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बार फिर से एटलांटिस में नेमोर को। जहाँ पर दोस्तों मे बी हुआ कुछ ऐसा है कि कोई और कंपनी या फिर डॉक्टर डूम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई मतलब कंपनी समुद्र के नीचे एटलांटिस में जा करके वाइब्रीनियम ढूंढ रही थी, और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं नेमोर के बहुत सारे लोग मर गए हैं। और जिसके बाद नेमोर को लगा है कि ये सब काम किया है वकांडा ने, और उसके बाद वो वकांडा पर हमला बोल देता है। और यही होने वाला है लगभग मूवी में। या फिर एक और थ्योरी है, शायद ऐसा हो सकता है कि नेमोर को चाहिए वाइब्रेनियम और इसीलिए वो वकांडा पर हमला कर रहा है। और इसके बाद इस ट्रेलर के अंदर हमको नेमोर के एंकन विंग्स को दिखाया जाता है, जो कि कॉमिक के अंदर भी होते हैं, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट यहाँ पर किया गया है वो काबिले तारीफ है यार। इसके बाद इस ट्रेलर के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं डोरा मिनाजे वर्सेस नेमोर के फाइट सीन, जहाँ पर नेमोर के लोग लड़ रहे होते हैं डोरा मिनाजे के लोगों से, और ये फाइट सीन काफी जबरदस्त भी लगता है देखने में। और इसके बाद इस ट्रेलर के अंदर हमको आयरन हार्ट यानी कि रीरी विलियम्स के भी काफी सारे सीन्स दिखाए गए हैं। और यार इस ट्रेलर में जो आयरन हार्ट का सूट दिखाया गया है ना, वो लगभग सिमिलर लग रहा था आयरन मैन के सूट से। मतलब भाई एक इमोशन वाली फीलिंग आ गई, बस इसी ने बता दिया। और इस ट्रेलर के लास्ट में लगभग ये भी रिवील कर दिया गया कि ब्लैक पैंथर कौन बनने वाला है, जो कि सूरी है। क्योंकि जो ब्लैक पैंथर का सूट पहने हुए थे इस ट्रेलर में, उसकी जो बॉडी है ना, वो लगभग लग रही थी सेम सूरी की तरह, मतलब ऐसी ही वाइब आ रही थी। तो मेरे ख्याल से भाई 99.9% चांसेस है कि जो ब्लैक पैंथर वो सूरी ही होने वाली है। तो आपने बताओ कमेंट में कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और हाँ, चलो थोड़ा सा फेस वाली वीडियो आप लोग देख लो मेरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक ही नहीं किया है तो। और यार अगर चैनल पर नए हैं और अगर आप भी मेरी ही तरह सुपर हीरोज के फैन, तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मतलब भाई एक ही फैमिली के मेंबर हैं हम लोग। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।